फ्रेंड्स, कोरोना टेस्ट को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जो लोग भी अभी तक कोरोना टेस्ट कराने के लिए 6 घंटे तक वेट किया करते थे या फिर जिनको भी कोरोना टेस्ट एक दिन के बाद मिला करता था, अब उनका ये इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि भारत में भी अब रैपिड कोरोना टेस्ट पहुँच चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार बेंगलुरु एयरपोर्ट ने रैपिड कोरोना टेस्ट को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शुरू कर दिया है। हम अभी इस खबर के ऊपर पूरी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आते हैं तो, क्योंकि अभी तक जो पैसेंजर्स भी एयरपोर्ट पर आते थे उन पैसेंजर्स को 6 से 8 घंटे तक ही एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ता था और अपने कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट लेकर ही घर जाना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपका कोरोना टेस्ट का रिजल्ट केवल और केवल 15 मिनट में ही दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे कि भारत सरकार ने ये सूचना दे दी है कि यूके से आने वाले पैसेंजर्स का कोरोना जांच करना अब कंपलसरी हो गया है, उसके तुरंत बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट रैपिड कोरोना टेस्ट की फैसिलिटी को लेकर आ चुकी है। यानी कि अब आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो आपको केवल 15 मिनट ही इंतजार करना पड़ेगा और उसके तुरंत बाद आपको आपका टेस्ट दे दिया जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको नॉर्मल टेस्ट से ज़्यादा रकम देनी पड़ सकती है क्योंकि नॉर्मल PCR टेस्ट इस समय भारत में केवल 800 रुपये का हो रहा है और ये जो नया रैपिड कोरोना टेस्ट है वो आपको 2400 रुपये का पड़ जाएगा। लेकिन अब इस टेस्ट के आने से जो पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करते थे, अब उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में भले ही इस टेस्ट का खर्चा 2400 रुपये है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में उम्मीद है कि इस टेस्ट का खर्चा भी कम हो जाएगा और आने वाले समय में सभी पैसेंजर्स इस नए रैपिड कोरोना टेस्ट को कराकर ही ट्रैवल किया करेंगे। आपको बता दें कि यदि सेम रैपिड कोरोना टेस्ट देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी शुरू हो जाता है या फिर दुनिया में सभी जगह पर शुरू हो जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू होने में काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि जितने भी पैसेंजर्स फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं उन सभी पैसेंजर्स का कोरोना जाँच केवल कुछ मिनटों में ही कर लिया जाएगा और ये पता लग जाएगा कि फ्लाइट में बैठा हुआ कोई भी पैसेंजर्स कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है।